संडे के दिन आपके परिवार में जब सब लोग एक साथ होते हैं तो एक ऐसी डिश बनाइए जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हो। एग मलाई मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि इसमें दूध या मलाई का उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी होती है और मसाले भी कम पड़ते हैं। आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। इस ग्रेवी के बेस को बनाने के लिए दो बड़े कटे हुए प्याज और दो हरी मिर्च को एक साथ मिक्सर जार में डालें और इसको बिना पानी डाले दरदरा पीस लें। इस तरह ऑनियन चिली पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब दूसरी प्रोसेस में इस पेस्ट को पकाना है। अब कढ़ाई को गर्म कर लें, इसमें चार बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालें, तेल को गर्म होने दें। अब इस तेल में ऑनियन चिली पेस्ट को डालें, ये वही पेस्ट है जो पहले बनाया था। इस समय आंच को मीडियम पर ही रखें, आंच को तेज नहीं करें। ऑनियन चिली पेस्ट को डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहें, जिससे ये पेस्ट जलेगा नहीं। अब इसमें एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। इस पूरे पेस्ट को तब तक भूनना है जब तक इसका पूरा पानी सूख जाए और प्याज का रंग हल्का सुनहरा हो जाए। मैंने यहाँ पर दोनों पेस्ट को अलग अलग बनाया है, आप चाहे तो एक साथ सभी का पेस्ट बना सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, गरम मसाला एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच और अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। अब इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनें। इन मसालों को इनसे तेल छोड़ने तक भूनना है। लगातार चलाने से ये मसाले जलेंगे नहीं। अब इसमें 200 ml दूध डालें। मैंने यहाँ पर इस रेसिपी में दूध का यूज़ किया है, आप चाहे तो क्रीम का यूज भी कर सकते हैं। ग्रेवी को लगातार चलाते रहें, धीरे धीरे ये ग्रेवी थिक हो जाएगी और मसालों से छूटा हुआ तेल ऊपर आ जाएगा। अब इस ग्रेवी में चार उबले अंडों को काट कर डालें। इस समय आप देखेंगे कि ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो गया है। अंडों को डालने के बाद ग्रेवी को चलाना नहीं है। अब हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए इस ग्रेवी को कवर करके पकाएं। 5 मिनट बाद कवर उठाएं। अब ग्रेवी का टेस्ट अंडों में आ गया है। इस रेसिपी को हरा धनिया के साथ गार्निश करें। अब ये टेस्टी और हेल्दी एग मलाई मसाला करी बनके तैयार हो गई है। आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी ना होने के कारण ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही शानदार रेसिपीज़ के लिए। धन्यवाद।